तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और सामान भी पीछे रख दिया है, प्रहान भी आ गया है स्कूल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पायल एंड प्रहान व्लॉग्स या प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ एंड साथ साथ कभी कभी ट्रैवल के वीडियो भी शेयर करती हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे देखिए, आज मेरी दिन की सुबह सुबह शुरुआत हुई थी पैकिंग से। मैं आज जा रही हूँ जूनागढ़, तो सुबह सुबह मुझे जो भी वहाँ पे लेके जाने थे कपड़े, उन सब कपड़ों में मैंने थोड़ी बहुत सिलाइयाँ की हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया है। ये पार्सल मैंने राजस्थान से मंगवाया है, जहाँ हम पहले रहते थे। तो इसके अंदर आया है सिंगल दोहर और कुछ बेडशीट्स है और साथ साथ कुर्तीज़ वगैरह है। और यहाँ पे ये जो सिंगल दोहर है वो मैंने पहले भी मंगवाए थे उनसे। तो जो भी घर पे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स फैमिली कोई भी आते हैं, तो उन सबको ये दोहर बहुत ही अच्छे लगते हैं ओढ़ने के लिए। और ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंट रहता है कि अगर कोई गेस्ट आके चला जाए तो तुरंत ही आप मशीन में डाल दो और बस वॉश हो जाएगा, और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दो तो वो एकदम से सूख जाते हैं जल्दी से। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है और साथ साथ ये टिकाऊ भी अच्छे हैं। मैंने एक साल से तो मंगवाए हैं तो बहुत ही अच्छे मेरे चल रहे थे। तो यहाँ पे बस ये पूरा ऑर्डर मेरा नहीं है, बस वही सारे जो भी रिलेटिव्स ने 1, 2, 3, 4 की अलग अलग सभी लोगों ने मंगवाए थे। तो यहाँ पे मैंने करीब 12 दोहर मंगवाए थे एंड साथ साथ एक दो बेड शीट्स है और मेरी कुर्तीज़ वगैरह है। एंड यहाँ पे देखिए, मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मैं ये पूरा खोल लूँगी, दिखाऊँगी, तब तक आप कैमरा ऑफ मत कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हो रही है सारी जूनागढ़ जाने की पैकिंग। और बाहर देखिए, बैग्स रेडी हो गए हैं। एंड यहाँ पे मैंने लंच में बनाए हैं पराठे, और यहाँ पे पनीर को सोटे किया है, बस बेसिक्स में मसाले सारे डाल के अच्छे से। और यहाँ पे है दही, मेरा मसाला दही, वाओ यम्मी, मुझे दही बहुत पसंद है। एंड मिर्ची, नमक। चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, चलिए फटाफट से लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी नहाने भी जाऊँगी। प्रहान अभी तक स्कूल से नहीं आया है, वो आएगा, उससे पहले मैं रेडी होके रहूँगी ताकि उसको अभी बाद में फटाफट से रेडी करके हम लोग निकल जाए। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और सामान भी पीछे रख दिया है, प्रहान भी आ गया है स्कूल से, और बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना खा लिया है और प्रहान ने दूध भी पी लिया था। बस अभी गाड़ी में एक्सचेंज करके आ गई हूँ, एक्टिवा उसके पापा को दे दी है, और बस जस्ट अभी गाड़ी लेके आई हूँ और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ से जूनागढ़ का जो रास्ता है पोरबंदर से, वो है 2.5 घंटे का रास्ता, वैसे 2 ही घंटे होते हैं, बट मैं धीमे धीमे जाती हूँ तो धीरे धीरे से जाते हैं, तो 2.5 से 3 घंटे तो आराम से हो जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। तो बस अभी निकलती हूँ और शायद बीच में हमारी एक फ्रेंड रहती है, उनके यहाँ पे अगर टाइम होगा तो वहाँ पे रुकूंगी, वरना फिर सीधा ही जूनागढ़ जाऊँगी। और जूनागढ़ हम किस लिए जा रहे हैं ये वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी पहुँचती हूँ फटाफट से जूनागढ़। तो जब भी मैं जूनागढ़ जाती हूँ, बीच में मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो यहाँ पे देखिए वो अपनी मेट के साथ कुछ बातें कर रही है। पुलाव बनाया था, आपको पुलाव सिखाया था? नहीं, वो मैंने सिखाया। तो चलिए, अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ पे मैं रुकी थी और मैंने बताया था अभी पहले ही कि चाय पी के निकलूंगी, तो बस मैंने चाय पी ली है और प्रहान गाड़ी में सो रहा है, तो बस अभी थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा जितना तो हो गया ना। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, आप भी निकल रही है। हाँ, आप आओ, प्रबंधन आते ही नहीं हो, जाओ ना। तो चलिए अभी जूनागढ़ चलते हैं, उन लोगों को आना होता है ना। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जूनागढ़। एंड सबसे पहले मैं आई थी मोंजनीस में, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं एक केक ले लेती हूँ। तो हम लोग खाने वाले 3 लोग ही थे, तो मैंने बहुत बड़ी केक नहीं ली है, छोटी छोटी ली है, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। एंड पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। ये वीडियो जो है, मैं अपने ससुराल से पहली बार कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, हालांकि मैंने जब से ये वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैं वहाँ पर नहीं गई थी। एंड यहाँ पे देखिए, बाहर हम लोग बैठे थे और प्रहान को यहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे झूला भी है।
हमें वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, थोड़ी देर बाहर बैठे थे प्रहान के साथ, फिर आ गए थे हम लोग अंदर। और बस यहाँ पे कर रही हूँ सारी तैयारियाँ। ये देखिए, ये है केक। और आज था मेरी सासू माँ का बर्थडे, तो इसी के लिए स्पेशली हम लोग आए थे, क्योंकि आज गुरुवार था और बस वीकेंड आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, इस बहाने बाहर बर्थडे भी हो जाएगा। एंड कल हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो वहाँ का भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द आएगा। और यहाँ पे देखिए, प्रहन जब भी हम लोग केक लेते हैं, तो जो जिसका भी बर्थडे हो, केक तो प्रहन को ही करनी होती है। इसलिए आज मैंने दो केक ली थी, और दोनों ही छोटी छोटी ली थी, ताकि सब हम टेस्ट कर सके। और ज़्यादा बड़ी केक होती है तो किसी को इतनी पसंद भी नहीं आती, कि बस हफ्ते के लिए इसे फ्रिज में रखो, फिर मन करे तो खाओ, इतना पसंद नहीं आता। इसलिए बस ये देखो, छोटी छोटी दो मैंने केक्स ली थी। यहाँ पे देखिए प्रहान के नखरे। और उसको तो किसी को केक देना ही नहीं था, कि बस उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही बर्थडे है और मैं ही ये सारी केक है वो कट करूँगा। और आज पहली बार प्रहान ने ना पार्टी पॉपर भी फोड़े थे, तो उसको पार्टी पॉपर बहुत पसंद आए थे। तो बोल रहा था कि दिवाली में भी मैं ना पटाखे नहीं फोड़ूंगा, उसकी जगह आप है ना तो मुझे पार्टी पॉपर लग के दो ना, ताकि मैं सबके ऊपर पार्टी पॉपर है वो फोड़ूंगा। तो बस यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने इस तरह से कुछ सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे मैंने उसे एक ट्राई करके दिया था, तो उसको बहुत पसंद आया था। तो दूसरा देखो उसने किया, और फिर इतना वो थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वो पार्टी पॉपर होता है ना छोटा वाला, वो थोड़ा सा फूटता भी है इसीलिए। और यहाँ पे बारी आती है गिफ्ट्स की, तो हमने दो गिफ्ट ली थी, एक मैंने ली थी और दूसरी वैसे मैंने ही ली थी, बट प्रहान ने दी थी। तो यहाँ पे प्रहान बोल रहा था कि मैं ही ओपन करके दूंगा दादी को ये गिफ्ट, तो बस वही ओपन कर रहा है। और आप साइड में देखिए, मेरे ससुर जी पूरे फोटोज़ लेने में ही बिजी थे, और उसको बहुत शौक है फोटोज़ लेने का। तो यहाँ पे देखिए, पूरे वीडियो में आप उसको फोटो खींचते हुए नज़र आएंगे वो। लोगों ने घर पे ही केक कट कर लिया था, और उसके बाद चले गए थे डिनर के लिए बाहर। तो जूनागढ़ में है काठियावाड़ी ढाबा, तो वहाँ पे हम लोग आए थे, खोडियार काठियावाड़ी ढाबा। पहली बार हम लोग आए थे, बस मैंने ऐसे ही रिव्यूज़ देख के, मुझे ऐसा था कि हमें काठियावाड़ी खाना खाना है ढाबा स्टाइल में, तो इसलिए हम लोग आए थे थोड़े से दूर। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सारे जो भी अचार थे वो हैंडमेड थे। और दूसरा कि यहाँ पे खाने से पहले ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री सलाड्स वगैरह देते हैं, तो सर्विस इनकी बहुत ही अच्छी थी। और जो लोग भी कभी कभी जूनागढ़ से गुजरते हैं या फिर जूनागढ़ में ही रहते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर जाइएगा। प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है, और खाना भी बहुत अच्छा था, और यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो यहाँ पे ये है खिची पापड़, जो गुजराती लोग हैं वो समझ पाएंगे, जो खिचिया पापड़ आता है उसका उन लोगों ने मसाला पापड़ करके दिया था। और यहाँ पे देखिए, ये है प्याज की सब्ज़ी, जो छोटी छोटी प्याज आती है वो भरी हुई प्याज की ये सब्ज़ी हम लोगों ने ट्राई की थी। और बाकी सारी गुजराती या काठियावाड़ी खाना ही था वहाँ पे। फिर रोटी थी, रोटला था बाजरी का, वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बस मिक्स वो सारी चीज़ें मंगवाई थी। एंड डिनर के बाद प्रहान खेल रहा था, और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, और बस घर पर जाके तो वही सो गए थे। एंड यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह मैं और मेरी सास है, हम दोनों गए थे एग्जीबिशन में, और बस वैसे ही देखने गए थे, मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं है।
एंड बस घर पे आ गए थे। सब्जी मैं बना के गई थी, आलू और बैंगन की सब्जी, और साथ में मुझे खाना था बाजरी का रोटला जो कि मुझे नहीं आता है। तो मेरी सासू माँ यहाँ पे मुझे करके दे रही है, तो वो बहुत ही अच्छा रोटला बनाती है। तो रोटला ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी को अगर नहीं आता है तो उसको कैसे इस तरह से टिप टिप करना है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे प्रहान को खाना खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई थी लंच करने के लिए, और लंच में तो सबको पता ही है रोटी भी बनाई थी हम लोगों ने। और अबार से मुझे जूनागढ़ के खमण और पात्रा अच्छे लगते हैं, तो हमने वो भी लिए थे। एंड आज तो ये जो रोटला बनाया है उसे मैं इस तरह से चूरा करके खाऊंगी। तो आप देखिए इस तरह से मैं इसके एकदम से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दूँगी। और ये गरम है अभी तो थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा था, पर अगर ये ठंडा होता ना तो बहुत ही ये जो सब्जी मैं खा रही हूँ ना ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रोटला को इस तरह से चूर चूर कर दिया है मैंने, और उसके ऊपर डाल दिया है आलू बैंगन की सब्जी, एकदम रसे वाली बनाती हूँ। एंड साथ में सब सलाद और लाल मिर्च वगैरह है। तो देखिए मैं हाथों से खा रही हूँ क्योंकि ये मुझे हाथों से ही ज़्यादा पसंद आता है, और हाथों से खाने में एक मज़ा भी बहुत आता है। तो बस देखिए यहाँ पे एकदम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी खाऊंगी मैं अपना लंच। एंड लंच के बाद मेरे सारे वहाँ पे कपड़े पड़े हैं वो उन सबको मैंने निकाला है, तो आप आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए ये सारे मेरे ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो कि यहाँ पे पड़े थे, तो आज मैंने ऊपर से कपबोर्ड में से निकाले हैं सारे। अब इनको मैं छांटूंगी, अलग अलग देखूंगी कौन सी साड़ी कहाँ पे है, और ये सब लेके जाऊंगी मैं पोरबंदर। और यहाँ पे हमारी शादी और बेबी शावर का एल्बम है जो कि प्रहान पहली बार देख रहा था, बड़े होने के बाद उसने ये पहली बार देखा था, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था और सबको बता रहा था कि ये नानी है, ये मामा है, ये ध्यान है, मतलब सभी जिन जिन को पहचानता है उनके नाम बता रहा था। तो हम लोग आ गए हैं मेरी मम्मी के घर, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और रात का टाइम है, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।